सो गाइस ये एक प्रॉपर कंपैरिजन वीडियो होने वाली है KTM Duke 200 और KTM Duke 250 के बीच में। बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि भाई दोनों बाइक्स का एक प्रॉपर कंपैरिजन वीडियो बनाओ कि भाई कौन सी बाइक किसके लिए बेटर है। तो आपका इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 98। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों बाइक्स के लुक के बारे में। एंड बहुत ही क्लास कमाल के लुक्स आते हैं ड्यूक 250 के और ड्यूक 200 के भी। मेरी पर्सनल फेवरेट जो है वो ड्यूक 250 है। अब क्यों फेवरेट है ये मैं अभी आगे जाके आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको दोनों बाइक्स दिखा देता हूं। यहां पर जो ड्यूक 200 है इसमें दो कलर्स आते हैं। एक ये आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर के अंदर है एंड एक आप देख सकते हैं वहां पर वाइट कलर के अंदर खड़ी है। दो कलर्स के अंदर आती है। मुझे पर्सनली वाइट कलर ज़्यादा बेटर लगता है अगर ड्यूक 200 के बारे में बात करूँ। और यहाँ पर ड्यूक 250 में भी दो कलर्स आते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक थोड़ा सा ऑरेंज एलिमेंट के साथ और यहाँ पर एक प्रॉपर ग्रे एलिमेंट के साथ आता है। मुझे पर्सनली ये वाला कलर काफ़ी ज़्यादा बेटर लगता है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको फेवरेट कौन सा कलर लगता है, मतलब आपका फेवरेट कलर कौन सा है ड्यूक 250 में भी और ड्यूक 200 में भी। अब यहाँ पर बात करें सबसे पहले प्राइस के बारे में। प्राइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कभी भी किसी भी बाइक को चूज़ करने के लिए, बिकॉज यार एक बजट बनाना बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम बाइक चूज़ करते हैं। सबसे पहले ड्यूक 200 की बात करूँ तो यहाँ पर ऑन रोड प्राइस आपको देखने को मिलता है 213,400 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। एंड यहाँ पर अगर ड्यूक 250 की बात करूँ तो इसका ऑन रोड प्राइस आता है लगभग 273,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। तो लगभग यहाँ पर बात करें तो 60,000 रुपये का अंतर है दोनों बाइक्स के बीच में। बट 60,000 रुपये में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं ड्यूक 250 में। मैं अगर बताऊँ मैं 60,000 का डिफरेंस, तो डेफिनेटली मैं 60,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करके ड्यूक 250 लूँगा। अब बात कर लें यहाँ पर ड्यूक 200 के बारे में, तो आपको सिंपल हेलोजन हेडलाइट क्लस्टर आता है LED DRLs के साथ। एंड यहाँ पर जो एक लुक आता है काफ़ी बढ़िया आता है, काफ़ी स्पोर्टी लुक आता है, एक बहुत ही अच्छा एक नेकेड स्ट्रीट बाइक का लुक आता है। यहाँ पर जो ड्यूक 250 है प्रॉपर ड्यूक 390 वाले लुक्स आते हैं, मतलब आप फ्रंट से तो पहचान ही नहीं पाओगे कि यार ड्यूक 250 है या ड्यूक 390 है बिकॉज ऑफ दिस अमेजिंग कंप्लीट LED हेडलाइट क्लस्टर विद LED DRLs। यहाँ पर LED DRLs आपको देखने को मिलते हैं। LED हेडलाइट क्लस्टर बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है एंड विजिबिलिटी जो नाइट में है वो बहुत अच्छी है, मतलब हेलोजन वाले से बेटर विजिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर ड्यूक 250 के LED हेडलाइट क्लस्टर के अंदर। थोड़ा स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं तो ड्यूक 200 के अंदर जो इंजन आता है वो है लगभग 199.5 cc का, जो पंप आउट करता है 24.6 ब्रेक हॉर्स पावर और 19.2 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। एंड यहाँ पर अगर ड्यूक 250 की बात करें तो जो आपको इंजन देखने को मिलेगा 248.8 cc का मिलेगा, 29.6 ब्रेक हॉर्स पावर पंप आउट करता है और 24 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क पंप आउट करता है। यहाँ पर माइलेज की बात करें तो देखो ड्यूक 200 का जो इंजन है वो हमें माइलेज, जो बाइक है पूरी वो माइलेज देती है हमें लगभग 33 किलोमीटर पर लीटर का। एंड ड्यूक 250 की बात करें तो लगभग आपको 30 किलोमीटर पर लीटर का यहाँ पर माइलेज देखने को मिल जाएगा। अब डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं दोनों बाइक्स के अंदर, तो बहुत ही जो मेन डिफरेंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात है हेडलाइट क्लस्टर का डिफरेंस, हेलोजन आता है, कंप्लीट LED आता है। इस बाइक के अंदर डुअल चैनल ABS सिस्टम आता है सिर्फ, और 300 mm के डिस्क ब्रेक आते हैं। वहीं यहाँ पर ड्यूक 250 की बात करूँ तो यहाँ पर 320 mm के डिस्क ब्रेक आते हैं और साथ में डुअल चैनल ABS विद सुपर मोटो आता है, मतलब रियर टायर का जो व्हील है, रियर व्हील जो है उसका आप ABS स्विच ऑफ स्विच ऑन कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। बाइक जो है इस बाइक के अंदर जो है आपको पावर ठीक ठाक मिलेगी, बट डेफिनेटली अगर आप ड्यूक 250 चलाएंगे तो आपको एक डिफरेंस नोटिस में रहेगा। अगर आप ड्यूक 250 जब भी आप रोड पर चलाएंगे आपको डेफिनेटली पावर ज़्यादा मिलेगी इस बाइक के अंदर। इस बाइक का टॉर्क भी काफ़ी अच्छा है एंड स्लिपर क्लच आता है, तो डेफिनेटली जो है गियर शिफ्ट बहुत ही स्मूथ यहाँ पर देखने को मिलते हैं आपको। अब बात करें यहाँ पर लॉन्ग राइड्स के बारे में, तो देखो ड्यूक 200 भी मैं काफ़ी लंबी चला चुका हूँ, ड्यूक 250 में मैं काफ़ी लंबा चला चुका हूँ, बट जो कॉन्फिडेंस आता है, जो मज़ा आता है बाइक चलाने का लॉन्ग राइड्स पर, वो ड्यूक 250 में ज़्यादा है। इज बेटर ऑन द ड्यूक 250 एनी डे। सिटिंग कम्फर्ट की बात करूँ तो दोनों बाइक्स का सिटिंग कम्फर्ट सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो राइडिंग कम्फर्ट है वो दोनों बाइक्स का सेम है। दोनों बाइक्स बहुत ही हल्की हैं, लाइट वेट है, मन्यूवरेबिलिटी काफ़ी बढ़िया है, बट अगर आपको माइलेज अच्छा चाहिए तो आप ड्यूक 200 लीजिए। अब मैं आपको एक छोटा सा कंक्लूजन दे देता हूँ, तो देखो अगर आपको कम बजट में बाइक चाहिए, मतलब अगर आपको 2,14,000 रुपये के आसपास कोई बाइक चाहिए तो आप ड्यूक 200 लीजिए। बट अगर आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जैसे कि आपको यहाँ हेडलाइट क्लस्टर में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, पावर में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने का पड़ेगा, बट जो बाइक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है ड्यूक 200। बट अगर आपके पास पैसे अच्छे खासे हैं, आप अच्छा खासा खर्च कर सकते हैं लाइक 273,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली, तो ड्यूक 250 इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक इन इंडियन मार्केट बिल्ड बाई KTM।
LED हेडलाइट क्लस्टर बहुत ही बढ़िया है। ये अभी आपको छोटे समय में अंतर पता नहीं लगेगा, बट लॉन्ग टर्म में आपको अंतर समझ में आ जाएगा LED हेडलाइट क्लस्टर का। पावर बहुत ही अल्टीमेट है, 248.5 cc का अप्रॉक्सीमेटली इंजन आता है। बहुत ही अच्छा आपको टॉर्क देखने को मिलता है। डुअल चैनल ABS यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम आता है। ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो ड्यूक 250 कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेटर है, ये आपको महसूस होगा लंबे समय में जब भी आप बाइक को रखेंगे, तो डेफिनेटली ड्यूक 250 द ब्रेकिंग इज बेटर। एंड कुछ इस तरीके की दोनों बाइक्स आती हैं। अगर मैं आपकी जगह होता, मैं कंफ्यूज होता दोनों बाइक के अंदर, तो मैं डेफिनेटली ड्यूक 250 चूज़ करता बिकॉज ऑफ इट्स लुक्स, ऑफ इट्स पावर। एंड डेफिनेटली 60,000 रुपये एक्स्ट्रा देने बनते हैं इतनी शानदार बाइक के लिए। तो ये मेरा कंक्लूजन था। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी बाइक ज़्यादा बेटर लगती है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अगर आपने तो ज़रूर कर लीजिए, नीचे प्यारा सा लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उसको तोड़ मोड़ फोड़ो जो करने का जरूर जाना चाहिए। साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ लिख क्या होगा throttle_98 इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। मिलते हैं आप सभी वीडियो में। थैंक यू फॉर माई पावर डे, सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बी हैप्पी एंड राइड सेफ। बाय बाय।